हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है उमेश और मैं एक सोलो प्लेनर हूँ इंडिया से। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ हाउ टू जीएच योर बैलेंस फ्रॉम द बिट किंगडम, या फिर आप कह सकते हैं अपना पैसा कैसे निकालें आप बिट किंगडम से, जो कि जीएच बैलेंस में शो हो रहा है। ठीक है, तो उस पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरे ये मैं लिंक आपको नीचे दूंगा, आप मेरे यहाँ पर आकर यहाँ पर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर आप मुझे कैसे भी फेसबुक पे, स्काइप चैट पे या यूट्यूब पे या फिर यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज, नेम, ईमेल आईडी मैसेज लिख के सेंड कर दीजिए और मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने का पूरा पूरा ट्राई करूंगा जितनी जल्दी हो सके। ओके, तो इसे अभी बंद करता हूँ। ये मेरा फेसबुक का पेज है, ठीक है, यहाँ पर भी आकर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ऐड फ्रेंड करके यहाँ पर भी कोई क्वेश्चन मुझसे पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसे भी अभी बंद करता हूँ। तो सीधा चलते हैं अभी पॉइंट पर, बिटकिंगडम के बैक ऑफिस में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अभी बैक ऑफिस में लॉगिन हूँ। तो अभी सबसे पहले आपको एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है। ये आपको पता होनी चाहिए कि जब आप प्रोवाइड हेल्प कराते हो और जब आप गेट हेल्प करवाते हो, तब उस टाइम पर आपका $10 का टोकन लगता है प्रोवाइड हेल्प के टाइम पर भी, और जब आप पैसा अपना निकाल रहे हो, गेट हेल्प ले रहे हो, तब भी $10 का टोकन लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले गेट हेल्प लेने से पहले आपको ये चेक करना है कि प्रोवाइड हेल्प में जाकर सबसे पहले आपने देखना है कि आपके जो हैं 30 डेज कंप्लीट हो गए हैं या नहीं। जैसे मेरी ये दो पीएच चली हुई है तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 30 डेज मेरे कंप्लीट हैं। ठीक है, उसके बाद ही आप अपना जीएच जो है ले सकते हैं। 30 डेज का टाइम इंटरवल ज़रूरी है। ठीक है, और पीएच को एंड करने की ज़रूरत कोई नहीं है, ज़रूरत नहीं है आपको, ये ऑटोमेटिक चलती रहेगी। आपका जो बैलेंस है, जैसे मैं दिखाता हूँ, मेरे को यहाँ पे अब 30 डेज के ऊपर हो गया है। ठीक है, दोनों पीएच आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा जीएच का बैलेंस में ऑटोमेटिकली शो कर रहा है, मुझे पीएच एंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये जो बैलेंस है इसको मैं विड्रॉ करा सकता हूँ। ये कितना बैलेंस है मैं आपको दिखाता हूँ, गूगल पे सर्च मारते हैं, $98 के नियर अबाउट, मतलब $200 के नियर अबाउट लगा लीजिए आप, ये है। ठीक है, मनी BTC। तो उस पे जाने से पहले आप यहाँ पे देखेंगे ये जो मनी है, फ्री जीएस लिखा हुआ है, नो टोकन नीडेड लिखा है इसके आगे। तो ये है रेफरेंस के थ्रू जो मनी आती है आपको, जो आपको प्रॉफिट आएगा वो रेफरेंस के थ्रू यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो इसमें कोई टोकन नहीं लगेगा आपका जब आप विड्रॉ कराएंगे तो, बट इसमें लगेगा। ठीक है, और जब आप पीएच करते हैं उस टाइम लगता है। तो चलिए यहाँ पे नीचे आप देखेंगे अवेलेबल टोकन क्या लिखा हुआ है, बाय मोर। तो अभी हमें 1 टोकन बाय करना पड़ेगा। ठीक है, बाय मोर पे हम जाएंगे क्योंकि हम जीएच कर रहे हैं इस वाले बैलेंस से। ठीक है, तो हमें टोकन बाय करना पड़ेगा, तो बाय मोर पे हम गए, या फिर आप सीधा टोकन पे यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। देखते हैं अभी क्या आता है, मैंने भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्लिक किया। देखिए ये टोकन के पेज पे ले आया, सेम ही पेज पे। ठीक है, तो बाय टोकन भी आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं यू हैव करंटली हैव 0 अवेलेबल टोकन, मेरे पास अभी कोई भी टोकन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, अब मेरे पास यहाँ पे जब टोकन नहीं है तो मेरे को टोकन बाय करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यूज़ बीके वॉलेट इतना, तो ये कितना हो रहा है मैं आपको इस पे BTC पे गूगल पे देख दिखाता हूँ कितना हो रहा है ये इन US डॉलर। मैंने जब पिछली बार अपना जीएच करवाया था तो मैंने $11.69 का जो मेरे पास बैलेंस था वो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, मैंने सारा विड्रॉ नहीं कराया था, मतलब अपने वॉलेट से। क्यों नहीं कराया था, क्योंकि मेरे को पता था क्योंकि मैं दोबारा विड्रॉ कराऊंगा, जीएच कराऊंगा तो मेरे को $10 का टोकन लगेगा, तो मैंने पहले ही जो है यहाँ पे अमाउंट रहने दिया। अब आप सुनिए, अगर आप फर्स्ट टाइम करा रहे हैं, आपके पास यहाँ पे बैलेंस नहीं शो कर रहा है, ठीक है, 0 है, तो आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप अपना जो है यूनिकॉइन, आपके पास जो भी BTC वॉलेट है, यूनिकॉइन, जेप पे या कोई भी आपके पास और है ब्लॉकचेन कुछ भी हो, तो वहाँ से आप जो है $10 का टोकन, $10 का अमाउंट जो है यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। कहाँ पे, बिट किंगडम के वॉलेट में। ये भी सेशन एक्सपायर हो गया, मैं दोबारा से लॉगिन होता हूँ। तो अभी मैं दोबारा से लॉगिन हुआ हूँ। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास यहाँ पे बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस आपका नहीं शो कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप दो तरीके से यहाँ पर जो है बैलेंस ले सकते हैं। ये $10 का बैलेंस थोड़ा सा ज़्यादा है $10 से, आप देख रहे हैं यहाँ पे यूज़ बीके वॉलेट। तो बीके वॉलेट में मेरा ये पड़ा हुआ है कितना, 0.0183, तो मेरे टोकन को कितना लगेगा, 0.0852 इतना लगेगा टोकन को मेरे। ठीक है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं जाकर BTC इन USD में। तो देखेंगे आप ये $99.71 जो है नियर अबाउट $10 के नियर अबाउट ही हो रहा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा है यूज़ बीके वॉलेट। अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो आप दो तरीके से यहाँ पे बैलेंस ले सकते हैं, या तो आप अपने जो है अपने स्पॉन्सर से या अपने डाउनलाइन से ट्रांसफ़र टोकन करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ट्रांसफर टोकन, जस्ट फिल आउट ऑल इनपुट एंड योर टोकन विल बी ट्रांसफर टू योर स्पेसिफिक वॉलेट। आप अपने स्पॉन्सर को बोल लीजिए या फिर अपने डाउनलाइन को बोलिए कि मेरे को एक $10 का टोकन दे दीजिए और मैं आपको वो रिटर्न कर दूंगा बाद में जब मैं जीएच करवा लूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट टोकन टू ट्रांसफर, कितना अमाउंट टोकन करना है ट्रांसफर के लिए। आप लिखेंगे मेरे को, जैसे मैं अभी $200 के नियर अबाउट विड्रॉ करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 टोकन, मेरे को अभी एक टोकन चाहिए $10 का। वो BTC पे डिपेंड करता है आपका BTC कितना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे टोकन चार्ट में, अब देख रहे यहाँ पे दिखा रहा है 1 टोकन 2 3 टोकन 4 टोकन 5 टोकन। तो ये 1 टोकन कब तक लगेगा, जब तक 0 से लेकर 4 BTC आपने पीएच किया होगा तब आपका 1 टोकन लगेगा। 2 टोकन कब लगेगा आपके, 2 टोकन मैंने
ये एक टोकन $10 का है, दो टोकन हो गए $20 के, ठीक है। जब आपके 4 से लेके 8 BTC PH लगा होगा, 3 लगा होगा, 3 तब लगेगा जब आपके 8 BTC से लेके 12 BTC PH लगा होगा, 4 कब लगेगा जब आपके 12 से 16 BTC होगा, 5 टोकन कब लगेंगे जब आपके 16 से 20 BTC होंगे। पहले ये पिछले टाइम में 8 BTC होता था, अभी इन्होंने अपना अमाउंट जो है कम कर दिया थोड़ा सा, ठीक है, ये हमारे लिए बढ़िया हो गया। और 16 से 20 BTC होगा आपका तो $5 का टोकन लगेगा आपका, अभी मेरा लग रहा है $10 का टोकन। तो यहाँ पे देखिए, बैक जाता हूँ मैं यहाँ पे ट्रांसफर टोकन में, यहाँ पर आप अपने स्पॉन्सर को बोल सकते हैं या अपने डाउनलाइन को बोल सकते हैं कि मेरे को एक टोकन सेंड कर दीजिए। आप अपने टोकन जो है अपने स्पॉन्सर से मंगवा भी सकते हैं, इस तरह से आपका जो स्पॉन्सर होगा वो आपको अपने बैक ऑफिस खोल के इस तरह से 1 लिख के यूज़र नेम डालेगा अपना। आपका यूज़र नेम क्या है, जो अब आप रजिस्टर हुए हैं उस टाइम आपको आईडी मिली होगी, ठीक है, वो आईडी आप देखेंगे क्या है, 4-5 नंबरों की आईडी होगी, वो यूज़र नेम यहाँ पर एंटर करेगा आपके नाम की, क्योंकि वो आपको सेंड कर रहा होगा, ठीक है, और 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन डालकर आपको जो है सेंड टोकन कर देगा अपने अकाउंट से। तो वो आपका जो ट्रांसफर टोकन हुआ होगा वो यहाँ पे शो होने लग पड़ेगा यूज़ बीके वॉलेट में, यहाँ पे बीके वॉलेट में आपके आ जाएगा। और ये हो गया पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपके पास जो भी BTC वॉलेट है उसके थ्रू आप खुद ट्रांसफर जो है कर सकते हैं बीके वॉलेट में, अपने यूनिकॉइन जैपे या कोई भी BTC वॉलेट हो वहाँ से $10 का टोकन यहाँ पे बीके वॉलेट में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेंड करने के लिए आपको जाना होगा वॉलेट में, क्योंकि वॉलेट में ही हमें एड्रेस मिलता है जहाँ पे हमने सेंड करना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, बहुत इजी है, कुछ घबराने की बात नहीं है, एक एक मिनट का स्टेप है। ये देखिए, ये वॉलेट एड्रेस दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने यूनिकॉइन या जैपे या जो भी आपके पास BTC वॉलेट है वहाँ पे जाके इस एड्रेस पर $10 का अमाउंट सेंड कर दीजिए। जब ये सेंड हो जाएगा तब ये आपके यहाँ पर शो होने लग पड़ेगा। देखिए, ब्लॉकचेन वॉलेट बैलेंस यहाँ पे शो होएगा और एट द सेम टाइम ये टोकन में भी शो होगा, देखते हैं अभी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यूज़ BK वॉलेट, सेम BK वॉलेट में शो हो रहा था 0.0183 और सेम यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पे एक टोकन बाय करेंगे, 1 करेंगे मैं, ये आ गया अमाउंट हमारे पास, देखिए ऊपर बाय टोकन का अमाउंट दिखा रहा है सेम। यहाँ पे मैंने क्लिक किया 1 BTC के लिए, ये हो गया सक्सेसफुली बाय क्रेडिटेड 1 टोकन, तो 1 टोकन मेरा बाय हो गया। अभी देखते हैं ये देखिए यहाँ पे लिखा गया यू करंटली हैव 1 available token, ओके, ये आज अपडेट हुआ है, अभी मैंने परचेज किया आपके सामने लाइव, ठीक है। तो अभी हमारे पास जब टोकन आ गया, अभी बस हमने GH करना है, तो हम गेट हेल्प के टैब पे जाएंगे, गेट हेल्प के टैब पे गए, आप देख रहे हैं इसकी सिक्योरिटी कितनी हाई है, कोई भी ऐसा नहीं है कोई इसको स्कैम कर सकता, कोई भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है इसमें, पैसा आपका बिल्कुल सेफ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं गेट हेल्प में ये है हमारा BTC जो हमने विड्रॉ कराना है, तो मैं जा रहा हूँ GH BTC में। यहाँ पर देखिए BK वॉलेट में बोल रहा है आपका पैसा जो है, ये GH बैलेंस जो है ये BK वॉलेट में आ जाएगा आपका, ये बता रहा है, मतलब यहाँ से उड़कर यहाँ पर आ जाएगा बी वॉलेट में। अमाउंट कितना ट्रांसफर करना है हमने ये पूछ रहा है हमसे, हमने करना है ये हमारा वॉलेट है BTC है, ये करना है विड्रॉ 0.3102, 2 मत लिए आप, 3 डिजिट तक ले सकते हैं आराम से, ठीक है। अब अपने लगाना है 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहाँ से मिलेगा, टेलीग्राम से। तो अपने स्मार्टफोन पर जाइए, टेलीग्राम ऐप ओपन कीजिए, ओपन की बिटकिंगडम बोर्ड पर जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे /2FA, इसको करेंगे यहाँ पर सेंड, ये आ गया हमारे टोकन के लिए, इसके 073617 यहाँ पे टाइप करेंगे इसको 073617 हमने टाइप कर दिया, यहाँ पे लिखेंगे गेट हेल्प पे क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, और ये देखिए आप जो है सक्सेसफुली GH हो गया 0.31 BTC इंटू BK वॉलेट, ओके करेंगे। अब ये अमाउंट जो है हमारा उड़ के, ये देखिए अभी दोबारा से मेरे को क्या बोल रहा है, परचेज कीजिए टोकन, देखा आपने, क्योंकि मेरा एक टोकन जो मैंने अभी परचेज किया था वो मेरा यूज़ हो गया, अब मेरे को दोबारा से जब GH करना होगा तो दोबारा से मेरे को परचेज टोकन करना पड़ेगा इसी तरीके जैसे मैंने आपको करके बताया। तो अभी ये जो हमारा बैलेंस है जो हमने 0.31 यहाँ से विड्रॉ कराया वो भी देखिए यहाँ पे कम हो गया, तो वो कहाँ गया, वॉलेट में क्लिक करेंगे, वहाँ पे चेक करेंगे, वॉलेट पे चेक किया हमने तो ये BTC विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। अब हम BTC विड्रॉ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी मेरे पास बैलेंस नहीं दिखा रहा है, ये बैलेंस मेरे पास 2 या 4 या 5 मिनट लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, फिर दिखाएगा। तो आपके पास मैं 5 मिनट के बाद आता हूँ, फिर देखते हैं ये बैलेंस कैसा शो करता है जी। तो आप अभी देख रहे हैं मेरे अकाउंट में, देखिए यहाँ पर ये जो है बैलेंस आ गया, ठीक है, अभी 10 मिनट इसको लगे, 5 से 10 मिनट, तो अभी ये यू आर एलिजिबल लिखा है टू विड्रॉ BTC दिस मच BTC, तो BTC विड्रॉ पे है, मैं इस टाइम BTC विड्रॉ पे हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए ये दिखा रहा है, अभी बोल रहा है मेरे को यहाँ पर एक्सटर्नल वॉलेट का एड्रेस दो जिस जहाँ पर आपने ये विड्रॉ कराना है, तो मैं इसको अपना जैपे का वॉलेट एड्रेस देता हूँ, ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक जैपे का एड्रेस है, यहाँ से लेके मैंने इसको यहाँ पे सेंड लिख दिया।
विड्रॉ अमाउंट बोलता है कितना कराना है आपने। मैंने कहा विड्रॉ अमाउंट जो है मेरे पास इतना दिखा रहा है, ठीक है आप इतना विड्रॉ करा सकते हैं, ये बोलता है। तो अगर आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप पूरा ये विड्रॉ करा लीजिए, फिर आपको $10 का टोकन जो है के लिए जो है फंड दोबारा सेंड करने पड़ेगा इसमें, जब आपने GS करवाना होगा, या तो आप दूसरा काम कर सकते हैं, इसमें से इस अमाउंट में से $10 का टोकन माइनस कर दीजिए। और $10 कितना होता है, $10 का BTC होता है 0.0174 का BTC इन US डॉलर होता है, मतलब 11.13 US डॉलर होता है। तो मेरे को ये सही लग रहा है, 11.13 US डॉलर जो है इसमें से मैं माइनस कर दूंगा। तो अभी हम माइनस करेंगे 0.312 में से जो है 0.312 में से 0.0174, ये जो है ये $10 का BTC है जो मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हम माइनस किया इसको हमने, तो ये आ रहा है हमारे पास 0.2946। तो ये हो गया हमारा अमाउंट जो मैं विड्रॉ कराऊंगा, क्योंकि मैंने ये इसलिए यहाँ पे कम लिखा है क्योंकि मेरे को दोबारा से झंझट नहीं लेना कि $10 का टोकन मैं किसी से यहाँ ट्रांसफ़र करूँ, अपने डाउनलाइन या अपलाइन से लूँ, या किसी को तंग करूँ, ना ही मेरे को अपने जो है वॉलेट से सेंड करना है बार बार इधर। तो मैं यहीं पर पहले ही माइनस करके इस अमाउंट को छोड़ दूंगा $10 को, फिर से यहाँ से $11 को, और ये नेक्स्ट GS के टाइम मेरे काम हो जाएगा, ठीक है। आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं, आप पूरा भी विड्रॉ करा सकते हैं। तो फिर से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, फिर से जाते हैं हम अपने जो है टेलीग्राम ऐप में, टेलीग्राम में गए, यहाँ पे फिर से हमने ऐसे करके यूँ करके 2FA लिखा, फिर से सेंड किया, फिर से ये कोड देगा 965221, आ गया कोड। तो इसको उठाओ 965221 यहाँ पे लिखो, यहाँ पे मारो विड्रॉल BTC, विड्रॉल दिस मच BTC जितना भी अमाउंट लिखा है, ये हो गया कंप्लीट। अब ये कहाँ चला गया, हमारे सीधे ज़ैपे के अकाउंट में, जो हमारा ज़ैपे का वो होगा, देखिए यहाँ पे BTC वॉलेट होगा, ये देखिए देखिए प्रोसेसिंग लिखा हुआ है, प्रोसेसिंग हो रही है, इतनी अप्रूव्ड हो गया, यस, ठीक है। तो हमारे ये BTC वॉलेट में शो हो जाएगा 5 या 10 या 15 मिनट के अंदर, जो भी जितना भी थोड़ा बहुत टाइम लेगा, तो वहाँ पे वो सेंड हो जाएगा आराम से। तो इस तरीके से आपने जो है अपना विड्रॉ कराना है BTC जो है गेट हेल्प बैलेंस से। तो मेरे को लगता है आपको ये वीडियो अब पूरी तरह से समझ आ गया होगा कि कैसे आपने अपना GS का यहाँ से BTC विड्रॉ कराना है, और कैसे परचेज टोकन करने के बाद आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट अपडेट्स जो भी बिटकॉइन में आती हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।